लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जॉनी, यस, हांगकांग से आया हुआ शाकार साहब का 2 करोड़ का माल गोदी में फंस गया है। माल फंस गया? ये कैसे हो सकता है? वो कस्टम ऑफिसर जो शाकार साहब से मिला हुआ था उसका ट्रांसफर हो गया है। अब हमें गोदी के गोदाम में डाका डालकर ही माल निकालना होगा। ओके। कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। अगर किसी ने हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। से चील आसमान से उतरकर जमीन पे तड़फड़ाने वाले कीड़े मकोड़ों को अपने पंजों में दबोच कर शांत कर देती है, उसी तरह से हम चोर बदमाश और डाकुओं को शांत कर देते हैं। हमारा नाम प्रशांत है। कौन थे वो गुंडे? उनका हुलिया बताओ ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। खामोश क्यों खड़े हो? तुम बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारे लोग क्या बताएंगे, सब डरे हुए हैं। आप आइए ना हमारे साथ, हम बताते हैं आपको। आइए। ये तुम लोगों की पहली गलती थी, इसलिए गोलियां परछाइयों पर चली। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी गलती की तो गोलियां सीधी तुम्हारे सीने पर चलेंगी। कौन है वो जिसने शाकाल से दुश्मनी करके मौत को दावत दी है? बॉस, वो एक कुली है।
जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत। हे रामू, रामू। अरे देखो, अरे हम उधर चिल्ला रहे हैं मोटर गाड़ी के हॉर्न के माफिक, और हमारा भैया तो एकदम पढ़ने में लगा हुआ है। रामू, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। फाउंटेनिया। भैया फाउंटेनिया नहीं, फाउंटेन पेन। आओ का, अरे वही तो हम कह रहे हैं, अब हमको अंग्रेजी सिखाता है। ए पार्वती। अरे पार्वतिया, अपना रामू तो बड़ा फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है भाई, बड़ा होशियार हो गया है। ये तो हम समझ गए। पहले ये बताओ, इतने देर तक तुम कहाँ रहे? हम? हाँ। हम थाना गए थे। हाँ? काहे? अरे जो चोर सब भाग गए थे ना, हाँ? वो सब के सब पकड़े गए। ससुर भाग के जाएंगे कहाँ, कल कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दे देंगे तो साले सब ठीक हो जाएंगे। नहीं, तुम गवाही नहीं दोगे। हम गवाही नहीं दूंगा? अरे हम अकेला आदमी जो अपनी आंखों से देखा है, हम गवाही नहीं दूंगा, सब छूट जाएंगे। कहा ना, ये गवाही तुम नहीं दोगे। हमने सुना है वो सब गुंडे हैं, जहरीले हैं। देखो हमारे गाँव में कितने जहरीले सांप भरे हैं, उनके डर से कोई गाँव में रहना छोड़ता नहीं है ना। यह मर्द का बाजू सिर्फ इसलिए बना है कि जुल्म के खिलाफ सच्चाई की रक्षा करे, और जब तक हमारी जान में जान है हम सच्चाई की रक्षा करेंगे। अरे सुनो, तुमको मुन्ना और हमारी कसम, तुम कल कोर्ट में गवाही नहीं दोगे। और अगर तुम देखो पार्वती, रामू हमारी जान है और तुम हमारी जहान हो, तुम लोगों की कसम के बदले हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चाहे तो हमारे बदन के खून का एक कतरा मांग लो, हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन ऐसी कोई कसम मत दो कि हमारा खून पानी हो जाए। तो तुम ही वो कूली हो जो कोर्ट में हमारे आदमियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है? आवाज उठाना तो बहुत हल्की सी चीज है साहब, अगर हम चाहें ना तो उन लोगों की अर्थियां भी उठा सकते हैं, मगर हम आपको पहचाने नहीं साहब। मेरा नाम शाकाल है, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाता है हम उसे खामोश कर देते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं हा? अरे हम वो है जो उड़ती चिड़िया के पंख काट के उसको शांत कर देते हैं। हमारा नाम प्रशांत है। बच्चा जब तक आग से जलता नहीं उसे खिलौना समझता है। जरा उधर देखो, मेरे एक इशारे की देर दोनों लाश में बदल जाएंगे। तू अदालत में वही कहेगा जो मैं चाहूंगा। भाई बाप, हम गांव से शहर आए थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन भाग्य देखिए कि हम बन गए साला एक कूली। लेकिन बड़ा आदमी बनने की इच्छा हम अपने दिल से निकाल नहीं सके हुजूर, इसलिए मौका मिलते ही चोरी की और पकड़े गए, और घबरा के सारा का सारा इल्जाम हम इन देवता स्वरूप लोगों के ऊपर लगा दिया। लेकिन हजूर माई बाप, अब हम ये स्वीकार करते हैं कि यह सारा कसूर हमारा है, और ये लोग बिल्कुल बेकसूर है। चूंकि मुजरिम प्रशांत ने खुद एक बाले जुर्म कर लिया है, इसलिए अदालत उसे ताजिरात हिंद जेरे दफा 276 के तहत 2 साल कैद बामुशक्कत सजा देती है। Oh,
भाभी, भैया क्या चोर है? तुमको क्या लगता है, तुम्हारा भैया चोर है? तो फिर वो जेल क्यों गए? क्लास के सारे लड़के उनको चोर क्यों कहते हैं? तुमको याद नहीं रामू, जब हमारे कानपट्टी में पिस्तौल रखती थी तो तुम्हारे भाई ने हमारे जान बचाने के खातिर चोरी का झूठा इल्जाम अपने सर ले लिया था। देख रामू, तेरे भाई तो देवता है देवता। प्रशांत, तुमको तो जेल में भी खाना मिल जाता है, लेकिन बाहर रामू और पार्वती को क्या खाना नसीब हो रहा होगा? पार्वती बहन, तुम अपना मंगलसूत्र बेच रही हो? हाँ लाला, मैं जानती हूँ एक सुहागन का मंगलसूत्र उसकी चिता के साथ ही जलता है, लेकिन मैं वो बदनसीब हूँ जो जीते जी अपने सुहाग की निशानी को बेच रही हूँ ताकि अपने सुहाग का सपना पूरा कर सकूं। लाला, उनका एक ही सपना है, उनका भाई राम पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और आज आज उसकी फीस भरने की आखिरी तारीख है। अच्छा अच्छा, ये लो 200 रुपये। अच्छा लाला, अच्छा ये रही स्कूल की फीस, याद से दे देना। हाँ? अरे वाह, 200 रुपया कहाँ से लाई? पति महाराज तो जेल में चक्की पीस रहे हैं और ये यहाँ गेहूं की तरह पीस रही है, लगता है इसने भी चोरी का काम शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे रुपए वापस कर दो वरना रामू का नाम स्कूल से कट जाएगा। दे दो। राम की गर्दन भी कट जाए तो भी ये रुपया हम वापस नहीं देंगे, मगर हाँ तुम ये जवानी हम पर निछावर कर दो तो हम ये रुपया तुम पर निछावर कर देंगे। चलो। मुझे लगा थी, कैसी हो पार्वती? अच्छी हूँ। अपना राम तो ठीक है ना? अच्छा है। उसके इम्तिहान की तैयारी ठीक चल रही है? हाँ। उसकी फीस भर दी तुमने? हाँ भर दी। पैसे कहाँ से मिले? वो मैंने पहले से कुछ पैसे जमा किए थे और फिर मुझे एक नौकरी भी मिल गई। हाँ, हाँ पार्वती, हमारा तो एक ही सपना है कि राम पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, उसका ख्याल रखना पार्वती, अब तो तुम ही उसके सब कुछ हो। अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र मैं बेच डाला। स्कूल की फीस जो देनी थी। ओफ पार्वती, तुम्हारा चेहरा देख कर ही हमको समझ जाना चाहिए था कि तुम लोगों ने मेरे बगैर कैसे दिन गुजारे होंगे। तुम रो क्यों रही हो पार्वती? रो मत, तुमने तो जो कुछ भी किया है मुन्ना को एक बड़ा आदमी बनाने के लिए किया है ना। ये सब कुछ करने के बाद भी मैं उसके स्कूल की फीस ना दे सकी, 2 दिन से उसे ठीक से खाना भी नहीं दे सकी। मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे मिले थे वो सब उन गुंडों ने छीन लिए जिन्होंने तुम जेल भेजवाया था। रो मत पार्वती, जिन गुंडों ने तुमसे तुम्हारा मंगलसूत्र छीना है, जिन्होंने मेरे मुन्ना की फीस और उसकी रोटी छीनी है, उन जालिमों से मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगा।
Hi, Jack. How are you? Fine. तुम तो जेल में थे, यहां कैसे आ गए? ये मत पूछो कि हम कैसे आ गए, ये पूछो कि हम क्यों आए हैं। जिस गरीब की बीवी का मंगल सूत्र बाजार में बिकने के लिए आ जाए, जिसके छोटे भाई के फीस का पैसा छीन लिया जाए और वो जब कुछ बोले तो उसे कुत्ते की तरह मारा जाए, उस गरीब के खून का उबाल जेल तो क्या, दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती है। तुम लोगों ने हमरे मुन्ना की जिंदगी का एक साल बर्बाद किया है, हम तुम लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुम्हारी दूसरी गलती का अंजाम तुम्हारी मौत होगी, इसलिए उठाओ पिस्तौल और अपनी मौत की रस्म को अदा करो। उठाओ, कनपटी पर रखो और चलाओ गोली। मुझे पहले से ही शक था के मौत के डर से तुम लोग गद्दारी पर उतर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पिस्तौलों में नकली गोलियां भर दी थी, लेकिन मेरे पिस्तौल की गोलियां असली है। बैक। यस सर। मुझे परशु की लाश चाहिए, आज, अभी, इसी वक्त। ठीक है। पार्वती, कौन? पार्वती, हम हैं। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। तुम? हाँ। इतनी रात को कहीं तुम जेल तोड़कर तो नहीं आए? नहीं नहीं, हम जेल से छूट गए, लेकिन अब हम लोग इसी वक्त ही शहर छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? आओ जल्दी करो। किस लिए? क्या बात है? हमको लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, हम तुमको बाद में सब कुछ बता देंगे, चलो जल्दी करो। इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? हमने चोरी किया है। चोरी? हाँ, हम चोरी किया है। चोरों के घर चोरी करना कोई पाप नहीं है, हमने उन हरामजादों के घर जाकर चोरी किया है। ये अच्छा काम नहीं किया, तुम ये पाप के रास्ते से लौट आओ, जिसकी मंजिल तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। अरे तबाह और बर्बाद तो हम हो ही चुके हैं पार्वती, सच्चाई के रास्ता पर चल के हमारी दुनिया में आग लग गई, अब हम सारी दुनिया में आग लगा के रख देंगे।
मंजर। तुम क्या समझते थे जेल तोड़कर कानून के हाथ से क्या बच जाओगे? इंस्पेक्टर साहब, कानून क्या हम गरीबों के वास्ते बना है? अरे पकड़ना है तो उनको पकड़ो ना, जिसने गुनाह किया है इनको छोड़ दो। चलो पुलिस स्टेशन चलो, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। बस यही वो आदमी है जिसने शाकाल की तकदीर में पहली बार हार लिख दी और इस वक्त जेल में 2 साल की सजा काट रहा है, आलीपुर जेल में। इतने काम का आदमी और जेल में, मुझे ये आदमी चाहिए। आओ प्रशांत आओ, ये हमारे बॉस जिन्होंने तुम्हें जेल से रिहा करने का पूरा इंतजाम किया है। नमस्कार सर, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? आओ गाड़ी पे बैठो। मुझे खबर मिली है कल ठीक 3 बजे डायमंड हार्बर पर डिसोजा नाम का एक आदमी शाकाल को 5 करोड़ रुपए की सोने की डिलीवरी देगा। और वही सोना कल शाम को 5 बजे शाकाल खुद रेड वैली में आकर अपने हाथों से हमें डिलीवरी कर जाएगा। शाकाल, हम प्रशांत बोल रहे हैं। मैं दुश्मन की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। पहचानते हो तो काम बहुत ही आसान हो गया। क्या है कि कल ठीक 5 बजे शाम को तुम अपने हाथों से 5 करोड़ का सोना हमको रेड वैली पहुंचाने आओगे, समझ गए? मैं दुश्मन को सोने का नहीं मौत का तोहफा देता हूं। अरे किसकी तकदीर में मौत है और किसकी तकदीर में सोना, ये तो तुम्हें कल पता चल जाएगा शाम के ठीक 5 बजे। हेलो बॉस। हेलो, सब ठीक ठाक है डिसोजा? एवरीथिंग ओके बॉस। ओके, दे दो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सर। हाँ। 4:45 बजने वाले हैं। हाँ। प्रशांत ने धमकी दी थी कि 5 बजे तक आप खुद सोना लेकर रेड वैली पर पहुंचा देंगे। लगता है जेल से निकलकर सीधा पागलखाने पहुंच गया और बिना इलाज कराए वहां से लौट आया। शाकाल, मेरी आवाज सुनकर तुम चौंक गए होगे। मैं जब हंसता हूं तो तुम क्या हजारों शाकाल के दिल दहल जाते हैं। टेप बंद मत करना, अगर तुमने मेरी आवाज सुननी बंद कर दी तो मौत का धमाका सुन लोगे जो 15 मिनट के अंदर होने वाला है। तुम्हारी गाड़ी में टाइम बॉम्ब फिट है, दरवाजा खोलने से पहले अगल बगल झांक कर देख लो। ओ गॉड, ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। तुम अपनी चिता से उतरोगे तब जब हमको माल दे दोगे। हमने कहा था ना कि हम उड़ती चिड़िया का पर काट कर शांत कर देते हैं। हमारा नाम प्रशांत है। आज बाजी तुम्हारे हाथ में है प्रशांत, लेकिन याद रखना एक न एक दिन बाजी पलटेगी, तब शह मैं दूंगा और मात तुम खाओगे। अरे भाई, हम गांव वाले आदमी शतरंज नहीं खेलते, बीच में लाइन बनाकर कबड्डी खेलते हैं।
और कबड्डी में बाजी वही जीतता है जिसके बाजुओं में दम होता है। ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब तुम्हारा है। हाँ? ये सब हमारा है? तुम्हारा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा है। ये सब हमारा है। हाँ। अब हमारी पार्वती को आधा पेट खाकर सोना नहीं पड़ेगा। मुन्ना के स्कूल के फीस के लिए अब उसे मंगलसूत्र नहीं बेचना पड़ेगा। मुन्ना को अब कोई चोर का भाई नहीं कहेगा। जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा उसको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। मैं तो सिर्फ बजा रहा था। बाजा बजाने का इतना ही शौक है तो आपने बाप को बोल ला दे। अरे इसकी तो ना माँ है ना बाप है। अरे ये तो लावर है से लावर है। ए चोर इसे चोर, ए चोर इसे चोर। ये लावारिस नहीं है, ये मेरा भाई है। खबरदार जो किसी ने कुछ कहा। कहे दोनों ज्ञानी।
सकती है बस अब तो अपने रास्ते जाते देंगे जाने लेंगे हम यारों के रास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते साहब हांगकांग से 2 करोड़ के हमारे हीरे सीक्विन जहाज से निकल चुके हैं और पीके साहब मैंने उन्हें 3 करोड़ में बेचने का इंतजाम कर लिया है सॉरी लेकिन क्या 3 करोड़ रुपए उसकी कीमत कम है बहुत कम है क्या है कि हमने टॉनी से वो सौदा 5 करोड़ रुपयों में तय कर लिया है शकाल साहब इस लिफाफे में सारी इंफॉर्मेशन है ये रही तुम्हारे इंफॉर्मेशन की कीमत थैंक यू कहाँ जा रहे हो अरे आज अचानक ये सवाल क्यों ना जाने आज क्यों मुझे डर सा लग रहा है अरे तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता पार्वती डर किस बात का सच तो ये है कि जो सुख और मन की शांति हमारे टूटे फूटे घर में थी वो मन की शांति इस महल की दीवारों में ना जाने कहां खो गई तब हम गरीब जरूर थे लेकिन मन के अंदर एक पक्का विश्वास रहता था कि शाम होते तुम जरूर घर लौटोगे मगर अब जब तुम बाहर जाने के लिए निकलते हो तो तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट आओ देखो पार्वती आंख से जो आंसू या कतरा टपक जाता है वो फिर आंख में वापस नहीं लौट सकता वैसे ही मुझे भी तुम अपनी आंख से टपका हुआ आंसू या कतरा समझ लो भैया भाभी भाभी भैया कहाँ है दोनों कहाँ हैं आप लोग अरे क्या बात है भाई आज ये जुगल जोड़ी बड़ी खुश दिखाई दे रही है भैया और भाभी आज हम दोनों आप दोनों को 2 खुशखबरियां सुनाने वाले हैं खुशखबरी कैसी खुशखबरी राम ने बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम फर्स्ट क्लास में पास कर लिया है तो क्या मुझे आवारा समझ रखा है आज मेरा सपना सच हो गया और भैया दूसरी खुशखबरी यह है कि लक्ष्मण पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया है हाँ। अच्छा? कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है तो बड़ा ऑफिसर बन गया जीते रहो
भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझ जैसे लावारिस यतीम को एक नई जिंदगी दी है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर मुजरिम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर सकूं। Good morning, Tony. Good morning, PK. How do you do? You all aya? All aya. प्रशांत कुमार उर्फ पीके, कोबरा गैंग के चीफ हैं? तुम्हारे 5 करोड़ के हीरे और टोनी का 5 करोड़ का मान जिस तरह मेरे कदमों में पड़ा हुआ है, उसी तरह समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी मेरे कदमों में पड़ी हुई है। अरे पीके, ऐसी बचकानी धमकियों से नहीं डरता है। पीके तो जान हथेली पे लेके घूमता और जो साला मौत है ना, उसको अपनी उंगली पर ना चाहता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारी मौत मेरी सिर्फ एक उंगली के इशारे का इंतजार कर रही है। बताओ, बदन में कितने सुराख चाहिए? अरे हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं होते, वो देखो। शाकाल साला, तेरी जिंदगी इस वक्त हमारे कदमों में पड़ी है, लेकिन हम तुझको मारेंगे नहीं। क्या है कि मरने के बाद तुझको फौरन चैन मिल जाएगा, इसलिए हम तुमको जिंदा रखेंगे ताकि हमेशा तुमको तड़पने की सजा तो मिलती रहे। ये तो सब कोई जानता है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन दीवारों के पैर नहीं होते। फिर बंद कमरे के अंदर टोनी को माल पहुंचाने की जो बातचीत हुई थी, वो बात शाकाल तक कैसे पहुंची? वो गद्दार कौन है जिसने अनजाने में सांपों के पिटारे में अपना हाथ डाल दिया? हम उस गद्दार को जानते हैं, उसकी तस्वीर इन किताबों के पहले पन्ने पर छपी है जो थोड़ी देर के बाद उसके घर की दीवारों पर टंग जाएगी। इससे पहले कि आप लोग उस गद्दार की तड़पती हुई लाश यहां देखें, हम चाहेंगे कि आप लोग उसकी तस्वीर देख लीजिए। किताब खोलिए। क्या बात है तरुण, अपना चेहरा देखकर पसीना आ गया। पूछ लो। मुझे माफ कीजिए, अभी तक मुझको पता नहीं था कि गद्दार कौन है। मुझ पर दया कीजिए। लेकिन अब पता लग गया तरुण कि गद्दार तुम हो। मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हजारों नागों के जहर को निचोड़ने के बाद जो जहर बनता है उसे प्रशांत कहते हैं। कोबरा गैंग का चीफ कोबरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर फंक्शन। आज के फंक्शन की खास बात यह है कि आप लोगों के टेबल पर ताश के पत्ते रखे हुए हैं।
जिसकी किस्मत में हुक्म का बादशाह निकलेगा उसको हमारे क्लब की सबसे खूबसूरत डांसर मिस रीता के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। आप अपने अपने पत्ते उठाइए और देखिए कौन वो खुशकिस्मत है। Me.
एक्सक्यूज मी। अरे आप अभी तक यहीं हैं? जी हाँ, मैंने सोचा कि जाते जाते आपका ऑटोग्राफ लेते जाऊं। ये प्लीज। थैंक यू। जानती हैं ये क्या है? कागज का टुकड़ा? जी नहीं, ये कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हेलो। हेलो रीटा, राम बोल रहा हूं। राम? कौन राम? लो, नाम भी भूल गई। क्या बात है, हमने कागज के टुकड़े से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक अपने प्यार का इजहार किया, और जिसके लिए इजहार किया उसके दिल पर असर तक नहीं। देखिए जी, मुझे नींद आ रही है। क्यों? आपको मेरी बातें लोरी की तरह सुनाई दे रही है? मेरी जिंदगी भर की नींद चुराने के बाद आप चैन की नींद सोना चाहती हैं? खैर सोइए, आप जैसी हसीनाओं का काम है सोना, और हम जैसे मुस्टंडों का काम है जागना। हेलो, 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 लगता है फोन पर ही सो गई। आई लव यू, यू सिली फूल। हेलो, कौन है? मैं हूं। तू? क्या बात है, मुंह लटकाए बैठे हो? क्या आसमान के सारे सितारे जमीन पर? मुंह तो क्या, जिंदगी लटक गई है। हुँ? मगर कोई फायदा नहीं। यार तू मुझे कोई रास्ता बता दे कि मैं अपने प्यार के शोरों से उसके दिल को पिघला सकूं। शोलों से नहीं बरखुरदार, शोले से। शोले से? हाँ, मेरे लैला मजनू के 50% शोले से। आजा। जाऊंगा, जान दे दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़की जिसका नाम रीटा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और अगर इसने सबके सामने मेरे प्यार का इकरार ना किया तो मैं सारी सोसाइटी के सामने सुसाइड कर लूंगा। अरे साहिबान, ये पागल नहीं, ये तो मोहब्बत की राह में शहीद होने वाला प्रेमी है। अरे आप देख क्या रहे हैं, उसे रोकिए ना। रोकूं? क्यों, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले।
साला मजाक मजाक में लुढ़क जाता तो बच गया। उससे बोलिए ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। आप इससे प्यार करती जी? रीटा जी, ये तो इसका रोज का ड्रामा है, कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में, रोज शहर का कोई ना कोई होटल इस तमाशे के लिए बुक ही रहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि शराब की बोतल में थम्स अप और पानी मिक्स, और इसके मरने का ड्रामा फिक्स। अब समझी। लक्ष्मण मेरे भाई, डार्लिंग तू रीटा को समझा रहा है ना? हाँ हाँ, मैंने सब समझा दिया है, लेकिन एक लोचा है। लोचा? ये कह रही है ये तुझे इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। क्या? हाँ मेरे दोस्त, अब तू कूद जा ताकि कयामत तक तेरा नाम मोहब्बत की किताब में अमर रहे। साला, हर लंबू अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। अबे लक्ष्मण, तू लक्ष्मण नहीं दुश्मन है, तू राम का लक्ष्मण नहीं रावण का विभीषण है। साले तुझे मैं बाद में देख लूंगा, मगर रीटा मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम मेरे प्यार का इकरार करती हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जा रहा हूं इस दुनिया से ऐसी दुनिया में जहां पर मेरी आत्मा रीटा के प्यार के तलाश में भटकती रहेगी, उसके ड्राइंग रूम में, उसके बेडरूम में, उसके बाथरूम में और उसके। और साले लक्ष्मण, तेरे को तो मैं लैट्रिन में देख लूंगा। दोस्तों, ऊपर जाने से पहले मैं 10 तक गिनूंगा, बाद में मुझे रोकने की कोशिश मत करना। लक्ष्मण मुझे सूली पे चढ़ा के बाजा बजा रहा है। दो, तीन, चार, पांच, छह, साढ़े छह। रोक ले उसे, बोल कि तू उसे प्यार करती है। देख, मैं पारो हूँ, देवदास वाली पारो, मेरा कहना मान ले। रोक ले उसे, कह दे तू उसे प्यार करती है। क्या मुसीबत है? राम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच? सुखी हो बेटी? तो सोसाइट क्या सर? क्या लक्ष्मण, जल गई ना? रीटा, रीटा डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं अंदर से आ रहा हूँ। आई लव यू रीटा डार्लिंग। रीटा, रीटा तुमने देखा, तुम्हारे प्यार में शराब पी पी कर मेरे लीवर की नहीं, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, और हर टुकड़े पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ। रीटा, 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 रीटा। सच? सच नहीं, मोच। सुभान अल्लाह, वारे ऊपर वाले, बड़ी फुर्सत से बनाया है तूने इस हसीन मूरत को। जी मैं सपना हूँ। हाय, इससे खूबसूरत सपना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर से कल रात को इस तरह की सात सोने की चूड़ियाँ चोरी हो गई। अजी, चोरी तो आपने की है, मेरे दिल की। जी मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। लेकिन मैं रिपोर्ट लिखाने कहाँ जाऊँ? क्या सोच रहे हैं? जी जी, मैं चोर के बारे में सोच रहा था। क्या रंग है? रंग किसका? जी चोर का। चोर? चोर को तो मैंने देखा ही नहीं। क्या आंखें हैं? आंखें? जब मैंने चोर को देखा ही नहीं तो क्या बताओ उसकी आंखें कैसी थी। मैं तो समझता था कि आप समझ जाएंगी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि आप समझकर भी नहीं समझना चाहती मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। समझिए आप? नहीं, आपका पता? गुलमोहर, 16th लेक रोड, टॉलीगंज। अजी, आपका पता तो यूं होना चाहिए था, बाहरों की रानी, मोहब्बत रोड, प्रेम नगर। अच्छा तो मैं चलूं? सिर्फ रिपोर्ट लिखकर मत रह जाइएगा, चोर को पकड़ने की भी कोशिश कीजिएगा। नमस्ते। चोर को तो मैं जरूर पकड़ूंगा देवी जी,
खोए खोए सरकार नजर आते हैं, बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ओए सपना देख रहा है क्या? सपना आए तू सपना को जानता है क्या? अरे उसके क्या कहने, आई थी यहाँ लिखाने रपट, मगर मेरा दिल ले गई झटक। जरा बीच में अटक और ये बता कि वो आई क्यों थी? अरे उसकी तो सोने की सात चूड़ियां चोरी हो गई थी, लेकिन वो जो मेरा दिल चुरा कर ले गई। अरे तो दिल क्यों छोटा करता है यार, चूड़ियां लेके उसके घर चला जा, मुलाकात हो जाएगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। अबे लेकिन चूड़ियां तो चोर के पास है, अब इतने बड़े शहर में उसे ढूंढूं, उसे पकड़ूं, उससे चूड़ियां लूं, बहुत वक्त लग जाएगा। तो एक काम करना, एक काम कर, नई चूड़ियां खरीद के दे दे, इजी। वाह रे उल्लू, सात नई सोने की चूड़ियां खरीदने में रुपया 10,000 लग जाएगा। और कहां से लाऊंगा? अबे अकल के अनाथालय, नई चूड़ियां खरीदने के लिए कौन कह रहा है? चांदी की चूड़ियों पर सोने का पानी चढ़ा के दे दे। क्या फिर से बोल? चांदी की चूड़ियों पर सोने का पानी चढ़ा के टिका दे। गुड आइडिया। हाँ, मार दे उसके घर में रेड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप कुछ और पूछने आए हैं? जी नहीं, मैं कुछ देने आया हूँ। अरे इतनी जल्दी आप चूड़ियां भी ले आए? चीज आपकी थी मगर चिंता मुझे हो गई और मेरे एक इशारे पर सारा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ गया और कोतवाली शहर के तमाम चोर उचक्के और गुंडों से भर गई। और जब मैं उनके सामने गया तो सबकी बोलती बंद, सब धड़ाधड़ सा चुगलने लगे, लेकिन जो असली चोर था वो कुछ बताने को राजी नहीं था। फिर मैं उसके करीब गया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, जब आप देखती हैं तो ऐसा लगता है कि सीधे दिल में झांक रही हैं। जी जी जी, तो वो चोर मुझसे इतना डर गया कि फौरन सारी चूड़ियां मेरे हवाले कर दी। अगर आप चूड़ियां पहन के रखेंगी तो चोरी नहीं होंगी। आपका रंग ऐसा है जैसे दूध में सिंदूर मिला दिया गया। सपना, ओ सपना बेटी। नानी बुला रही है। ये नानी जी को बुलाने का और कोई वक्त नहीं मिला के? आप फिर आइएगा, जरूर आइएगा। अब तो आप ना भी बुलाएं तब भी मैं जरूर आऊंगा। यू वेलकम। थैंक यू, बाय बाय। बाय। बड़े खुश लग रहे हैं बालक ध्रुव। एक्सक्यूज मी, नमस्ते। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं लक्ष्मण का दोस्त हूँ, राम, मेरा मतलब एक इंस्पेक्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण यहाँ है क्या? वो यहाँ आए थे, अभी अभी गए हैं। ओह, अब आपकी तो चूड़िया चोरी हो गई थी ना? हाँ, लेकिन आपके दोस्त ने चोर को यूं पकड़ा और यूं चूड़ियां वापस ला दी। वाह, सचमुच बहुत स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट तो है, बल्कि बहुत ही स्मार्ट है। ऐसे जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट को फक्र होना चाहिए। क्या कमाल की पर्सनालिटी है उनकी। आखिर दोस्त किसका है, वो मेरी छवि है ना उस पर। वैसे मेरा दोस्त कमाल का आदमी है, लेकिन 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 क्या? कितनी भोली और मासूम है आप, कम से कम आपके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे दिल उसका साफ है, दिल उसका साफ है, लेकिन अगर कोई साफ चीज में दाग पड़ जाए तो कितना बुरा लगता है। दाग? कैसा दाग? नहीं, वैसे दाग तो चांद में भी है, और दाग क्या, शौक है। लड़कियां पटा ही लेता है, और एक बार लड़की पट जाए और उसे दिल भर जाए तो उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देता है जैसे दूध में से मक्खी। इसका मतलब है वो धोखेबाज है? नहीं नहीं, धोखेबाज नहीं, धोखेबाज तो बुजदिल होते, और मेरा दोस्त तो बहादुर है। अब देखिए ना, कितनी हिम्मत से चांदी की चूड़ियों पर सोने का पानी चढ़ाकर आपको जो वो दिए गया है। वाह, कमाल है मेरे दोस्त का। तो वो फ्रॉड है, चीटर है? छी 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 छी, एक शरीफ आदमी पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, इट इज नॉट फेयर।
देखिए साहब, उसकी नियत तो साफ है, वो आपको फंसाना चाहता है, और कुछ तो वो आपको फंसा चुका है और कुछ फंसा लेगा, और इस फंसा फंसी के चक्कर में जब आप पूरी तरह से फंस जाएंगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये मामला फूस था। उसके बाद आपको एक फोन आएगा और आपको ये खबर मिलेगी कि इंस्पेक्टर लक्ष्मण अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में तड़प रहा है, जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। मर गया। कैसे हैं आप? अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल जाती। मगर आपकी हालत हुई कैसे? अजी पूछिए मत, कल रात उस चोर ने अपने 10 साथियों के साथ मुझ अकेले पर हमला किया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, मैं उन पर टूट पड़ा और गोलियों की बारिश में एक गोली मेरे सीने में आके लग गई। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर लोबो को बुलाया है, जो मेरे प्रोफेसर है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। थैंक यू। ये मेरा नाम डॉक्टर लोबो है। डॉक्टर मेरे बाप का नाम डॉक्टर गोबो है। गोबो। और मेरे बाप के बाप का नाम डॉक्टर भोभो है। भोभो। ये हिंदुस्तान के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। इनका अपॉइंटमेंट 4 साल पहले लेना पड़ता है। 8 साल बच्चे, 8 साल। अभी कमसिन हो मगर नादान नहीं। ये बच्चा मेरे पास आया, इसने 10 बाल्टी आंसू बहाया और मुझे बताया कि लक्ष्मण मेरा लव है, उसकी जान बचा लो। हमने कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगर तुम्हारे लिए वो लव है तो हमारे लिए कुछ है, कुछ हम उसकी जान जरूर बचाएंगे। दर्द होता है? होता है। मालूम है? दर्द होता है? होता है। बिल्कुल मालूम है? होता है डॉक्टर, वो होता है। स्टुपिड इडियट, वो तो मेरे बाप का नाम है। मेरा नाम डॉक्टर लोबो है। हम डॉक्टर नहीं, जादूगर है। जादूगर हम मुर्दे को जिंदा बनाते और जिंदे को डॉक्टर बहुत दर्द होता है। कोई बात नहीं बच्चे, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो दर्द कैसे रहेगा। वैसे भी बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये लो आई, और अपने प्रेमी को ऑपरेशन करो। अरे अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो मुझे। गोली मत दिखा दी, ये आपकी मोहब्बत की याद रहेगी ना। मजनू की छड़ी हो रहा है। राम से है लक्ष्मण। राम कहाँ गया साहब? हाँ कहाँ गया? आपका हाथ लगते ही जख्म ठीक हो गया। आपका हाथ है क्या मरहम? मेरा हाथ मरहम नहीं, भल्लम है। तू मेरा भाई है ना? ये बोलना रे। हाँ तेरा भाई हूँ, मगर मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ रे। तेरी सपना का सपना तोड़ने वाला। हाँ मैं हूँ भाई। पहले मैंने तुझे अपना भाई बनाया, दोस्त बनाया, फिर तुझे उल्लू बनाया। मैंने तेरी पीठ में बेवफाई का इतना बड़ा चाकू घुसेड़ दिया रे। मैंने इंसानियत का मर्डर कर दिया रे। रो मत मेरे दोस्त, मेरे भड़काने पे तो गीता ने तुझे थप्पड़ मारा था। और मेरे भड़काने पे तो तुझे सपना ने थप्पड़ मारा था। अब क्या करें? अब
अब एक ही रास्ता है।
समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना क्या बात है जगर भाई, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। हाँ, क्या करे भाई, पिछले दिनों पुलिस का खतरा कुछ ज्यादा था। अरे जगावर भाई, तुम्हारे बिना धंधे में मजा ही नहीं आ रहा। जगावर, मैं बहुत दिनों से तेरी तलाश में था। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर लक्ष्मण, तुमने जग्गा जैसे खतरनाक मुजरिम को पकड़कर यह साबित कर दिया कि तुम हर मुजरिम के लिए एक मौत का पैगाम हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सर। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूं। यह है कोबरा गैंग की फाइल। कोबरा गैंग? हां, इस शहर के हर स्मगलिंग और जुर्म के पीछे इस कोबरा गैंग का हाथ है। हालांकि इस गैंग के चीफ को आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस गैंग के हर आदमी के बाएं हाथ पर कोबरा का निशान है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस गैंग का नामो निशान मिटा दोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वेरी गुड। आज से तुम कोबरा गैंग की मेंबर बन गई हो। यस सर। सर, लीना कोबरा गैंग की मेंबर? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोबरा गैंग को खत्म करने का काम इंस्पेक्टर लक्ष्मण को मिला, लेकिन उस बेचारे को यह मालूम नहीं
कि उसका भाई प्रशांत ही कोबरा गैंग का चीफ है। Oh, I see. उसे अंधेरे से उजाले में लाने का काम लीना करेगी, ताकि घर के चिराग से ही घर में आग लग जाए। इंस्पेक्टर लक्ष्मण है, तुम्हारी वर्दी में बहुत जल्द एक सितारा और चमकने वाला है। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हारा शुभचिंतक। आपका नाम क्या है? नाम से नहीं, काम से वास्ता रखो प्यारे। नीना वो लड़की है जो तुम्हें कोबरा गैंग के चीफ तक पहुंचा सकती है, जो आज तुम्हें कार नंबर TCZ4979 में हाईवे पर मिलेगी। कोबरा गैंग का चीफ कौन है? कोबरा गैंग? मैं किसी कोबरा गैंग को नहीं जानती। अगर तुम नहीं जानती तो ये क्या है? बताओ चीफ कौन है? ये मैं किसी चीफ को नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आज रात को 12 बजे जॉन नाम का एक स्मगलर कोबरा गैंग के चीफ को डेन पर मिलने वाला है। मिस्टर जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। सारा बच चुके हैं, जॉन अब तक नहीं आया। जॉन आ चुका है। हीरे टोपी में है और हथकड़ियां मेरे हाथ में। अगर अपनी जगह से कोई एक इंच भी हिला तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूंगा। इंस्पेक्टर लक्ष्मण, तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। एक तरफ तुम्हारा फर्ज कहता है कि वो मुजरिम जो तुम्हारा भाई है उसे गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा करो, और दूसरी तरफ तुम्हारे भाई का एहसान जो तुम पर कर्ज बनकर उसे गिरफ्तार करने से रोक रहा है। हेलो इंस्पेक्टर लक्ष्मण, आज शाम 7 बजे पुराने खंडर में 50 लाख की सोने का सौदा होने वाला है। कौन बोल रही हैं आप? कौन बोल रही हैं?
तुम वहां से अचानक क्यों चले आए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम हर पल हर लम्हा मुझसे दूर होते जा रहे हो। सपना, मुझे जिंदगी ने ऐसे दो राय पर खड़ा कर दिया है जहां पर रोशनी तो है मगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह? कोबरा गैंग, जिसको पकड़ने का काम मुझे दिया गया है। क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चल सका? सब पता है। उनके अड्डे कहाँ हैं? उनका चीफ कौन है? तो फिर उन्हें पकड़ के कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते? सपना, हाँ? अगर किसी प्रेमी ने अपनी महबूबा को जिस्म बेचते हुए देख लिया जिसे वो देवी समझता था तो उसका क्या हाल होगा? उसे बहुत दुख होगा। तब उसे क्या करना चाहिए? उसे भूल जाना चाहिए कि वो उसकी महबूबा है और उसे सजा देनी चाहिए। और अगर वो महबूबा की जगह मां हो तो? तुम भी जवाब देने से मजबूर हो गई ना? शमशान में पड़ी हुई लाश अपनी चिता में आग नहीं लगा सकती। सरल लक्ष्मण हमारे लिए खतरा बन चुका है। वो हमारे गले में फांसी का फंदा भी डलवा सकता है। लक्ष्मण हमारा भाई है, वो हमारे लिए खतरा कभी नहीं बन सकता। मगर वो एक पुलिस ऑफिसर है, हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन ये मत भूलो कि पहले वो हमारा भाई और बाद में एक पुलिस ऑफिसर। पुलिस वाले तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते सर, और ये तो आपका सगा भाई भी नहीं है। बकवास मत करो, क्या कहना चाहते हो बोलो। सिर्फ यही कि कोबरा गैंग के कानून को आपने बनाया है, आप ही उसे तोड़ देंगे। कौन सा कानून? कि जब भी किसी पुलिस वाले को हमारे गैंग के बारे में पता लग जाए उसे खत्म कर दिया जाता है। लक्ष्मण को भी खत्म कर देना चाहिए सर।
कानून हम बनाते हैं, उसको तोड़ने का अधिकार भी सिर्फ मुझको है। एक बात याद रखना, आज के बाद ऐसा कोई आइडिया भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जानते हैं कि तुम हमसे नफरत करने लगे हो। काश मैं आपसे नफरत कर सकता। नफरत ना सही, लेकिन अब मोहब्बत में पहले वाली गर्मी भी तो नहीं रही है। तभी तो एक इंस्पेक्टर के बदन पर उसकी वर्दी रखी रह गई थी और वो पिघल गया था। और मैं नहीं चाहता लक्ष्मण कि वो इंस्पेक्टर की वर्दी तुम्हारे लिए कफन बन जाए। मेरे गैंग के कुछ लोग तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं, पता नहीं कौन कब तुम पे वार कर बैठे। मेरा सुझाव यह है कि तुम अपने यहां से ट्रांसफर करा के कहीं और चले जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। मुझे अपनी जिंदगी और वजूद से नफरत हो गई है। मानने दीजिए उनको, उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं जो ना अपना फर्ज पूरा कर सकता है और ना ही अपना कर्ज चुका सकता है। जिसे तुम कर्ज समझते हो वो मेरा फर्ज था, और फर्ज निभाते निभाते आपने अपने आप को पाप के दलदल में धंसा लिया। पाप पुण्य अच्छा बुरा तोलने के तराजू को जिसने भी पकड़ा वो जिंदगी भर दुख तोलता रहा। अगर वो तराजू तुम अपने हाथ में पकड़ना चाहते हो तो कानून की देवी की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध लो, ताकि अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ भी नजर नहीं आएगा, तभी तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। ये लो कुछ रुपए, तुम्हारे काम आएंगे। आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? आज तक प्रशांत कुमार ने किसी को रिश्वत नहीं दी है, वो अपने छोटे भाई को एक नई जिंदगी देना चाह रहा है। अगर आप मुझे नई जिंदगी देना चाहते हैं तो अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। लगता है इंस्पेक्टर बात करने लगा है। तो इंस्पेक्टर तुम भी सुन लो, कानून की चौकट पर झुकने वाला सर प्रशांत कुमार का नहीं हो सकता। हमने जिंदगी में हारना नहीं सीखा है, और मैंने मौत से डरना नहीं सीखा। लक्ष्मण मैं फिर कहता हूं, जिद छोड़ दो और ये रुपए रख लो। रुपया रुपया रुपया, पाप से कमाए हुए जिन रुपयों के ढेर पे आप बैठे हैं ना, वो एक दिन बारूद का ढेर बन जाएगा और फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ धमाके ही धमाके होंगे। ले जाइए ये रुपए, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये पाप की कमाई। ले जाइए। तुम्हारी जगह यह गलती कोई और करता तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होती। पार्वती आ गई तू? क्या हुआ? लक्ष्मण ने शहर छोड़ के जाने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया क्यों? इसलिए कि अब वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। फर्ज ईमान और जमीर की बातें करने लगा है। मुझे गिरफ्तार ना करके वो मेरे एहसानों की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा है। तुमने उसे अच्छी तरह समझाया क्यों? बहुत समझाया, मगर वो समझे तब तो। मैंने उसे यहां तक कहा, ये रुपए लो और किसी और शहर चले जाओ। उसने क्या जवाब दिया मालूम है? कहने लगा कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने भाई को रिश्वत दूंगा? मैंने उसमें और राम में आज तक कभी कोई फर्क समझा है? ये सब हमारा ही कर्म का फल है। लेकिन पार्वती ये सब हमने किसके लिए किया, बोलो किसके लिए किया? अगर उसने मेरी तरह गरीबी देखी होती तो आज वो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, उसकी जो इच्छा हो जो मर्जी हो करे, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मैं लक्ष्मण की जिंदगी पर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा, और कल ही वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद और कारोबार राम के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। लक्ष्मण लक्ष्मण, अबे ओए लक्ष्मण, कहाँ है रे लक्ष्मण? अबे ओए इंस्पेक्टर के बच्चे कहाँ मर गया? अबे साला क्या बात है, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है। ओए तू नहीं, आप बोलो आप। अब मैं राम नहीं रहा,
अब मैं रामकुमार साहब हो गया हूं यूसी। भैया ने मुझे अपनी हर कंपनी का चेयरमैन बना दिया है। कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे ऐसा भाई मिला जो एक मामूली कुली से अपनी मेहनत ईमानदारी और सच्चाई के बलबूते पर आज क्या से क्या बन गया। भगवान को मैंने साक्षात तो नहीं देखा मगर लगता है वो मेरे भैया जैसा ही होगा। अगर अनजाने में कोई किसी को भगवान मान भी ले तो क्या, उसकी औकात नहीं बदलती। क्या मतलब, क्या कहना चाहता है तू? यही कि भैया ने ईमानदारी सच्चाई और मेहनत के बल पर नहीं बल्कि उनका खून करके सारी दौलत कमाई है और तुम जिन कंपनियों के चेयरमैन बन गए हो ना उनकी बुनियादें बेगुनाहों की लाशों पर रखी है। और वो पसीने टपकाने वाला कुली आज भी कुली है लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अब वो समान नहीं पाप का बोझ उठाता है। जिसे तुम भगवान समझते हो वो भगवान नहीं, स्मगलर है, कातिल है, चोर है। जिस जबान से तूने भैया का नमक खाया उसी जबान से तूने भैया को गाली दी। तेरी जबान कट के गिर क्यों नहीं गई? इसलिए कि सच बोलने से जुबान कटती नहीं बल्कि जुबान की ताकत और बढ़ जाती है। और राम, जिस नमक की तू बात कर रहा है ना उसी नमक ने इन हाथों और उनके गर्दन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। वरना मेरा फर्ज उनकी गर्दन को फांसी का फंदा बनाकर कस चुका होता। अगर ये सच है कि मेरा भगवान जैसा भाई चोर है, स्मगलर है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं तो मैं अपने भगवान के हाथ काट कर फेंक दूंगा ताकि वो दोबारा पाप का बोझ उठाने वाला कुली न बन सके। और अगर ये झूठ निकला लक्ष्मण तो आज के बाद राम तेरे लिए रावण बन जाएगा, याद रखना। राम, ए क्या हो गया तुझे, क्या बात है? हा? नहीं कुछ भी नहीं। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है, बताना क्या बात है। नहीं यूं ही कुछ आगे के बारे में सोच रहा था। क्या? यही कहीं तो बड़ा आदमी बनकर मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, भूल तो नहीं जाएगा। बक ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगा यहां मेरे दिल में। तुझे कैसे बताऊं राम कि भैया की असलियत क्या है? तुम कहोगे कि ये तुम्हारा इस्तीफा है लेकिन मैं कहूंगा कि एक ऐसी चिता है कि जिसके शब्दों के ऊपर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की लाश रखी है। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने वर्दी पहनते वक्त अपने फर्ज को निभाने की कसम खाई थी। अपने फर्ज को निभाने के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर सकता हूं सर, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? फर्ज को पूरा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। फर्ज की खातिर बाप अपने बेटे को त्याग देता है, फर्ज की खातिर पत्नी अपने पति को त्याग देती है, फर्ज की खातिर भाई भाई का खून कर देता है और ऐसे लोगों का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। आओ मेरे साथ। ये जो लड़का यहां बंद है इसका नाम है दीपक। चोरी, स्मगलिंग, डकैती की हर किताब पर इसका नाम लिखा होता था। आज यहां ये 7 साल की कैद काट रहा है। जानते हुए कौन है? ये मेरा बेटा है। दुश्मन के आदमी यहां कहीं मौत ढूंढने तो नहीं आए? जिसके पीछे मौत पड़ी हो शाकाल साहब वो तो जिंदगी ढूंढता है। बेवकूफ हो तुम जो जिंदगी ढूंढने मौत के व्यापारी के पास आए हो। बेवकूफ होते हैं वो जो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाते। मतलब पीके का भाई इंस्पेक्टर लक्ष्मण हमें सूली पर चढ़ा देना चाहता है और दूसरी तरफ पीके
जो भाई की मोहब्बत में तुम लोगों की बलि देना चाहता है। हाँ, वो भी मेरा दुश्मन है, जिसके थप्पड़ की गूंज को मैं उसकी मौत की चीख में गुम कर देना चाहता हूं। फिर देर किस बात की है? शाकाल ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मार दो उनको, फिर न सिर्फ तुम फांसी के फंदे से बच जाओगे बल्कि कोबरा गैंग के चीफ भी बनोगे। कोबरा गैंग के चीफ? ये तो हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है शकल सा। लेकिन ऐसे ख्वाब हमेशा लाशों के ढेर पर सजाए जाते हैं दुर्जन। केक यहाँ पर रखो और फूल यहाँ पर। हाँ। चलो जल्दी जल्दी करो, सब इंतजाम हो गया? देखो तो सब ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जन्मदिन के शुभ मौके पे इन दोनों की मंगनी का ऐलान कर दूं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। जन्मदिन के मौके पर इससे अच्छा तो बात उन लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। हेलो साहब, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर लक्ष्मण हमारे गैंग को गिरफ्तार करने आ रहा है, और साथ ये भी पता चला है कि हमारे एक गैंग का कोई आदमी उस पर डायमंड हार्बर पर हमला करके उसे खत्म कर देने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पार्वती तुम जरा यहां संभालो, मैं अभी आता हूं। वेल डन माय बॉय, वेल डन। अब तुम जल्दी से हमारे आदमियों के साथ डायमंड हार्बर पहुंच जाओ। अब दुर्जन इन दोनों को खत्म करेगा और हम दुर्जन को, और उसके बाद जुर्म की इस काली दुनिया के बेताज बादशाह हम बनेंगे, हम।
लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण मेरी जिंदगी बचाने के लिए तू बीच में क्यों आ गया? बोल, तू बीच में क्यों आ गया? भैया, एक दिन तुम्हीं ने कहा था ना शहर छोड़ दो, आज मैं दुनिया ही छोड़ के। मैंने तुझे इतनी दूर जाने के लिए नहीं कहा था अगले, तेरे आगे तो जिंदगी पड़ी है जीने की। अच्छा होता मुझे मौत आ गई होती, लेकिन तेरी मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। ये हार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिन तुम ये बुरे काम छोड़ दोगे ना, उस दिन मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। एक जन्म तो तुमने दिया था भैया, वादा करो दूसरा जन्म भी तुम ही दोगे। वादा करो भैया, वादा। चलो उस तरफ ले जाओ। भाभी कितने बज रहे? लो 7 बज गए, अभी तक भैया नहीं आए और आज वो इंस्पेक्टर साहब भी गायब है, इतने सारे मेहमान सब। ये सब कैसे हो गया भैया? दुश्मनों ने इसकी जान ले ली। जाने देंगे जा ले लेंगे हम यारों के वास्ते, जान दे देंगे जा ले लेंगे हम यारों के वास्ते। मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते। एक ने कही दूजे ने मानी, मुझे छोड़कर कहां चला गया था? अब मैं वापस आ गया हूं, मुझसे वादा कर अब तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जगह रोज आती हूं जहां मेरी दुनिया उजड़ी थी। हां सब कुछ खत्म हो गया, लक्ष्मण के बगैर जिंदगी की कोई मायने नहीं रही, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं उन कातलों को जिन्होंने तुम्हें सुहागन बनने से पहले ही विधवा बना दिया। क्या तुम कातलों को जानते हो? जानता होता तो अब तक मैं उसके खून से आसमान के नीले रंग को लाल कर देता।
एक बार लक्ष्मण ने कहा था कि वो किसी कोबरा गैंग की असलियत जान गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोबरा गैंग नहीं? कोबरा गैंग। मैक, जानते हो इस तस्वीर की कीमत क्या होगी? इसकी? नहीं तो? 10 करोड़। 10 करोड़ इस तस्वीर की? मैक, कीमत सिर्फ तलवार की नहीं, तलवार की धार की होती है। प्रशांत का भाई राम पागलों की तरह लक्ष्मण के कातिल को ढूंढ रहा है। जब वो इस तस्वीर को देखेगा, देखते ही इस पर झपट पड़ेगा। तब हम प्रशांत से उसके पागलपन की कीमत निचोड़ लेंगे। 10 करोड़। भैया, कोबरा गैंग के इसी आदमी ने मेरे दोस्त को मुझसे छीना है और अब मैं इसकी जिंदगी से छीन लूंगा। नहीं राम, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैंने लक्ष्मण की लाश पर सौगंध खाई है भैया कि मैं उसके कातिल को नहीं छोड़ूंगा। राम, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। लक्ष्मण की याद और उसकी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया है और अब मेरा ये पागलपन उसके कातिल की चिता बन जाएगा। नहीं राम, नहीं, मैं तेरे इन हाथों को खून से नहीं रंगने दूंगा। भैया, आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात का इनकार नहीं किया, मगर आज पहली बार इंतकाम की आग में जलता तुम्हारा ये भाई तुम्हारी बात मानने से इनकार करता है। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण के हत्यारे को खत्म करने। लक्ष्मण के हत्यारे? हाँ, हमारे एक गैंग के एक आदमी ने शाकाल से मिलकर लक्ष्मण का खून कर दिया और इस बात का पता राम को चल गया। तब से वो पागलों की भांति उसे खोज रहा है। इससे पहले कि राम लक्ष्मण के हत्यारे की हत्या करे, मैं उस कमीने को खत्म करूं। मैं अपने जीते जी राम को हत्यारा नहीं बनूंगा। कितने कठोर हो गए हो तुम, इतना खून खराबा हुआ और तुम फिर सोई खाम? नहीं, मैं तुम्हें और ये पाप करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दो ये सब। पार्वती, ऐसा मत करो, मेरे पाँव में जंजीर मत डालो। राम को बचाने में अगर जरा भी देर हो गई तो राम का हाथ लक्ष्मण के हत्यारे खून से रंग जाएगा और मेरी जिंदगी भर की तपस्या भंग हो जाएगी। हमें राम को बचाना है। राम, राम लक्ष्मण के हत्यारे का पता चल गया है। कौन है वो, कहाँ मिलेगा? होटल पैराडाइज में। होटल पैराडाइज।
हेलो प्रशांत कुमार, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर चाकू चल रहे होंगे, लेकिन जरा सोचो, जब राम को फांसी होगी तब तुम्हें कैसा लगेगा? ठीके? राम के जिंदगी की कीमत 10 करोड़, जो कल तुम भूत घाट पर अकेले आकर दोगे। और याद रखो, तुमने हमसे चालाकी करने की कोशिश की या अपने पिल्लों को साथ लाए, तो तुम्हारे भाई की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, समझे? पालतू कुत्तों के साथ आओगे, इसलिए मैंने अपने आदमियों से कह दिया था कि तुम पर गोली चलाए ताकि सब अपने अपने बिल से बाहर आ जाए। अब अगर तुम अपने भाई की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो अकेले सामने की मोटरबोट से प्रिंसेस चेटी को बचाओ। आवाज पर नाचता है उसी तरह तुम आज मेरे इशारे पर नाच रहे हो प्रशांत कुमार। रेड वैली का फासला 25 किलोमीटर है और वक्त है सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वीडियो कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। तुम्हारे लिए सामने सफेद रंग की एम्बेसडर कार खड़ी है। वाह कितना अजीब इत्तेफाक है, आज से ठीक 15 साल पहले आज ही के दिन इसी जगह पर तुमने मेरा माल लूटा था पीके, और आज तुम उसे सूद समेत लौटाने आए हो। अरे 15 साल पहले जो तेरा अंजाम हुआ था ना, आज उसी को दोहराने आया। मरने से पहले कुछ लोगों को चीखने की आदत होती है, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता। अब रुपया मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारा कफन है, लेकिन इसमें दफन मैं तुम्हें करूंगा। शाकाल, अरे तेरी गोलियां अपने बुलेट प्रूफ जैकेट से टकरा के लौट गई। तूने हम पे गोली चलाई ना, हम गिर गया।
तुम समझा साला हम मर गया है? लेकिन शाकाल, हेलीकॉप्टर में बैठे मेरे आदमी ने तुम्हारे इस खूनी कारनामे की तस्वीर वीडियो कैमरे में उतार ली है। अब ऐसा है कि इस कैसेट को अदालत में पेश करने पे अदालत फौरन मान लेगी कि मैं मर चुका हूँ और मेरा खून तुमने किया है। लेकिन पीके, तुम भूल गए हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिंदा ये तो सिर्फ तुम जानते हो शाकाल, अदालत तो वही मानेगा जो कैसेट दिखाएगा उनको। अरे हम तो कहीं भी छुप जाएगा, उस वक्त बाहर निकलेगा बेटा जब तुम्हारा गर्दन फांसी के फंदे में कस के तोड़ दिया जाएगा। अबे शराफत से देता है कैसेट या और कोई नया धंधा करवाऊं हेलीकॉप्टर? बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम हट जाओ पार्वती, तुम जानती नहीं इसने क्या किया है। ये खूनी बन गया है। क्या? इसने सिर्फ लक्ष्मण के हत्यारे का खून नहीं किया बल्कि मेरी जिंदगी भर के तपस्या का खून कर दिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आप भले ही मुझे जान से मार डाले भैया, मगर मैं कोबरा गैंग के एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा, उनकी जिंदगी का नामो निशान मिटा डालूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं कोबरा गैंग के चीफ के खून से अपने माथे पर तिलक लगाऊंगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो राम। हाँ बोल रहा हूँ। कोबरा गैंग के चीफ तक पहुंचने की सीढ़ी का नाम है लीना। वो आज शाम को 4 बजे जेल से छूटने वाली है। उसके बाएं हाथ पर कोबरा का निशान है। आपको भाई मुझे बात डाले क्या हुआ छुट्टी साहब? अरे बात तो बोल। राम दाते मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या कर रहा, पागल हो गया क्या? भैया ये कोबरा गैंग का आदमी है, मैं राम दाते को छोड़ूंगा नहीं। भैया मैं कहता हूँ मेरी बात तो सुन। नहीं भैया मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं राम दाते को छोड़ूंगा नहीं भैया, मैं इसे जानते बात डालूंगा। पागल हो गया भैया? कोबरा गैंग के चीफ आप हैं, यानी कि लक्ष्मण के कातिल भी आप हैं? नहीं नहीं राम, ये लक्ष्मण के कातिल नहीं है। नहीं भाभी, ये लक्ष्मण के कातिल हैं। ये लक्ष्मण के कातिल हैं, इन्हीं की वजह से लक्ष्मण मारा गया। उसका कातिल कोई भी हो मगर उसके मौत के जिम्मेदार ये है। हाँ मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। उठाओ बंदूक और कर दो मेरा सीना छल, और मेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाकर उस कसम को पूरा करो जो तुमने लक्ष्मण की चिता पर खाई थी। तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। चला गोलियां, चला गोलियां। Thank you.
यह है लीना की जान लेने की कीमत, जो किसी को मेरा नाम बताने के लिए जिंदा ही नहीं रही, और यह है राम को पीके की असलियत बताने की कीमत, जिसकी वजह से राम के दिल में उसके लिए नफरत का जहर भर गया, और यह है राम की लाश को शमशान में जलाने की कीमत। शकल साहब, आपकी राम से क्या दुश्मनी है? राम से दुश्मनी की वजह है तुम्हारी मुझसे दोस्ती। क्या मतलब? मतलब राम ही तुम्हारे भाई का कातिल है। राम मेरे भाई का कातिल? पीके का भाई राम। अब मैं अपनी पिस्तौल के हर गोली पर पीके के खानदान का नाम लिख दूंगा। इस इंतकाम की जंग में शाकाल तुम्हारे साथ है। भैया, कोबरा गैंग के चीफ आप हैं? यानी कि लक्ष्मण के कातिल भी आप हैं? नहीं भाभी, ये लक्ष्मण के कातिल है। ये लक्ष्मण के कातिल है, इन्हीं की वजह से लक्ष्मण मारा गया। उसका कातिल कोई भी हो, मगर उसके मौत के जिम्मेदार ये है। उसका कातिल कोई भी हो, मगर उसके मौत के जिम्मेदार ये है। उसका कातिल कोई भी हो, मगर उसके मौत के जिम्मेदार ये है। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये सब क्या हो गया पार्वती, ये सब क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, मैं राम को वापस ले आऊंगी। नहीं। हाँ। राम अब कभी वापस नहीं आएगा पार्वती। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं। उसने मेरी तस्वीर पर गोली चलाकर इस बात को साबित कर दिया कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। वो जरूर वापस आएगा, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। लेकिन लेकिन उसके पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। बोलो। तुम ये पाप का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दोगे? पार्वती, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम उसे सिर्फ मेरे पास ले आओ, किसी भी तरह मेरे पास ले आओ। ले आऊंगी उसे। राम, तुम घर लौट जाओ। किस घर की बात कर रही हो तुम? जिसकी सब उम्मीदें सब आशाएं तुम पर हैं। नहीं रेटा, मेरे लिए वो घर नहीं, उसकी दीवारों से मुझे पाप की कमाई की बू आती है। ऐसी बातें नहीं करते राम, क्या खून का रिश्ता कभी टूट सकता है? भाभी, रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं हुआ करते, तुम्हारा मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरी मां जैसी नहीं हो। और जिस खून की तुम बात कर रही हो ना, भैया अगर मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे छोटे भाई के कातिल भी वही हैं। ऐसा मत बोल राम, तेरी इस तरह चले आने के बाद तेरे भैया बिल्कुल टूट से गए हैं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो पता नहीं वो क्या कर बैठते। तू घर वापस चल राम, तू नहीं जानता तेरे भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं। प्यार मैं भी बहुत करता हूं उनसे, मगर जिसके सारे बदन पर खून के छींटे पड़े हो उसे कैसे भाई कहकर पुकारूं, कैसे गले लगूं उसके, जिसके जिस्म पर लक्ष्मण के खून के धब्बे पड़े हो, कैसे गले लगूं उसके? तू शायद ठीक कह रहा, लेकिन लेकिन तेरे भैया हमेशा ऐसे नहीं थे। जमाना ने उन्हें अच्छा आदमी रहने नहीं दिया। हम दोनों को बचाने के लिए उनको यह रास्ता अपनाना पड़ा। तुझे सुखी देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा। इंसान की जरूरतें उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं होती, और अपनों के प्यार में अंधा होकर गलत रास्ता इख्तियार कर लेने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता भाभी। देख राम, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, तू घर वापस चल। भाभी, मांगना है तो मेरे जिस्म से खून का एक कतरा मांग लो, मैं उसे निचोड़ कर तुम्हारे चरण धो दूंगा, लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकता तू? सपना देखते देखते
अगर अचानक नींद टूट जाए तो क्या वो सपना दोबारा देखा जा सकता है भाभी? नहीं ना, मेरा सपना भी टूट चुका है। नहीं राम। भाभी, भाभी, वादा कर कराई थी, मैं तुझे घर वापस लेकर जाऊंगी मरने से पहले, मैं वादा पूरा करना चाहती हूँ। नहीं भाभी नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भाभी, तुम्हारा वादा पूरा होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा भाभी। चलो घर चलते, चलो चलो। वो अब तक आए नहीं, आ जाएंगे भाभी, अभी आ जाएंगे। मैं डॉक्टर। नहीं राम, मेरी सांसें डूब रही है, काश ये डूबती सांसें उनकी बाहों में, शायद शायद वो आ गए। भैया राम, तू आ गया, मैं जानता था तू घर लौट के मेरे पास वापस जरूर आएगा। चल आज मुझको छूटे तो कसम खा कि आज के बाद तू कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, कसम खा। क्या हुआ? जब तेरे हाथों में खून, क्या बात, बोल क्या हुआ भैया? भैया भाभी को क्या हुआ? पार्वती को? भैया भाभी को आपके दुश्मनों ने गोली मार दी भैया। हाँ हाँ भैया, पार्वती को गोली मार, पार्वती को गोली मार भैया। ये सब क्या हो गया पार्वती, ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे भाई को वापस ले आई हूँ। तुम्हारा भाई वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं, नहीं नहीं पार्वती, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तकदीर में शायद ही तक पार्वती, पार्वती, तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हारी इस मौत ने मेरे सीने में एक ज्वालामुखी भर दिया है, और इस ज्वालामुखी की आग से मैं उन तमाम दुश्मनों को जिंदा जला दूंगा जिन्होंने तुम्हारी जान ली है। भैया, इंतकाम की इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं। Thank you.
भैया मैं उन सब हरामजादों को आपके कदमों में घसीट लाया हूं जो मेरी भाभी के खून के जिम्मेदार हैं। ये लीजिए भैया, ये लो, निकल निकल बाहर हरामजादों, निकल। ये लीजिए भैया और इनको इनके किए की सजा दीजिए। सोच क्या रहे भैया, गोली मारिए ना भैया। Kill them. Kill them, भैया। भैया, kill them. I said, kill them, भैया। आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया राम। दोस्त भी, दुश्मन भी, अपने भी, पराए भी। अब मैं बहुत थक गया राम, बहुत थक गया। चल अपने आप को पुलिस के हवाले करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता हूं, तभी शायद पार्वती की आत्मा को शांति मिले। चल मैं आपके साथ हूं भैया, साथ हूं मैं। जिंदा है ना? क्या नाम है मेरा? शाकाल। मेरे नाम का मतलब? जी वो शाकाल जी, यानी मौत का बादशाह जी। और मौत के बादशाह को कभी मौत नहीं आती, लेकिन उन दोनों को जरूर मौत आएगी, जरूर आएगी। चलो We'll be right back.
क्यों बे? हैं? अपने बाप को जिंदा देखकर हैरान हो गया क्या? हैं? जिस तरह मेरी गोलियां तेरे बुलेट प्रूफ जैकेट से टकरा कर लौट गई थी, उसी तरह तेरी गोलियां भी मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट से टकरा कर लौट गई। प्रशांत कुमार और पीके अब आज मेरे हाथ में है, मेरे। अगर हिम्मत है तो नीचे आ ना मर, ऊपर से क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि कुत्ते के साथ साथ एक कुत्ते का पिल्ला भी है। मैं पिल्ले को पहले मारूंगा। नहीं नहीं प्रशांत नहीं। देख आखिरी बाजी। नहीं 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 भैया। राम मेरे भाई राम। भैया भैया ये आपने क्या किया मेरी जान बचाने के लिए? राम तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भैया देख भाई मेरा वक्त पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक वादा करना होगा। जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी कष्ट क्यों नहीं झेलने पड़े, तो कभी पाप के रास्ते पे नहीं जाएगा, पाप को कभी अपने सीने से नहीं लगाएगा। हाँ मुझे वचन देना। मैं वचन देता हूँ भैया।